हेलो दोस्तों, मैं रेखा आज आपके लिए लेके आई हूँ फ्रेश नारियल की चटनी की रेसिपी, जिसे मैंने बनाया है बिल्कुल नए और अलग अंदाज में। तो आइए इस चटनी को बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गर्म होने के लिए गैस पर रख दिया है और हम यहाँ पे डाल देंगे एक कटोरी रोस्टेड चना दाल। इन्हें हम अच्छे से भून लेंगे, तब तक भुनेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। तो कलर चेंज हो रहा है। तो कलर आ चुका है, अब हम इन्हें निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई में डाल देंगे एक कटोरी मूंगफली यानी ग्राउंड नट्स। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। जब ये पूरे भुनकर तैयार होंगे तो हम इनका छिलका निकाल देंगे। तो देखिए ये बिल्कुल भुन चुके हैं, अभी इन्हें भी निकाल देते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल एक चम्मच। जब तेल गर्म हो जाए तो डाल देंगे चना दाल एक चम्मच, उड़द दाल एक चम्मच। अब इन दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन न हो जाए। अब हम यहाँ पे डाल देंगे हरी मिर्च 6 से 7, जिन्हें मैंने आधे आधे में काट लिया था। इन सब को अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे डाल देंगे जीरा एक चम्मच और अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। अभी यहाँ पे डाल देते हैं इमली, जिसे मैंने साफ करके धो के रख लिया था। इमली डालने से हमारे चटनी में तीखापन आ जाता है और चटनी लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है। अभी गैस को कर लेते हैं बंद। अभी ये सारा मिक्सर गरम है तो डाल देते हैं भुने हुए रोस्टेड चना दाल। एक बारी मिक्स करेंगे और अब डाल देंगे भुने हुए मूंगफली। अब इन सब को एक बार मिलाएंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये ठंडा हो चुका है, अब एक मिक्सर जार में डाल देते हैं। अब इसी में डाल देंगे फ्रेश नारियल, जिसे मैंने पीसेस में काट लिया है। अब हरा धनिया डाल देते हैं और अब जाएगा हमारा नमक स्वादानुसार। तो अब यहाँ पे डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। पानी आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डालिएगा। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमारा नारियल की चटनी पिसकर तैयार है। चलिए अब इसको तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए तेल डाल दिया है मैंने यहाँ पे। तेल गर्म हो चुका है तो यहाँ पे डाल देंगे जीरा और राई। जैसे ही ये चटकने लगे तो डाल देते हैं एक चम्मच उड़द दाल। अब अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो अब कड़ी पत्ता डालेंगे और फिर से फ्राई करेंगे। तो अभी लास्ट में जाएगा हमारा हींग, इससे हमारे चटनी में अनोखा स्वाद आ जाएगा। तो हमारा तड़का बनकर तैयार है। तो इसे लगा देते हैं अपनी चटनी पर। तो हमारा चटनी रेडी है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू।